Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will see how can we find mean deviation about mean of normal distribution. तो जो लोग ग्रेजुएशन में हैं उनके लिए इसकी प्रूविंग देखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है एंड जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग डायरेक्टली इसकी जो वैल्यू है वो भी लर्न कर सकते हैं. अब देखिए, अब हम लोगों को निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन. तो देखिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग MDX बार से डिनोट करते हैं. सो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स माइनस न्यू. अब देखिए, यहाँ पे एक्स जो है वो हमारा रैंडम वेरिएबल है जो कि फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद मीन न्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, एंड म्यू जो है यहाँ पे वो मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. अब सिंपली आप लोगों को एक्सपेक्टेशन ओपन करना आता है, फिर इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट हम लोग लेते हैं, देन यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स माइनस म्यू, और यहाँ पे हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं पीडीएफ या फिर पीएमएफ इन केस ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन. सो यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीडीएफ होता है वो हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे, वन अपॉन सिग्मा अंडर रूट टू पाई ई टू द पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर भी होगा. नाउ अब हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं. अब यहाँ पे देखिए, ये है कांस्टेंट तो इसको हम लोग ब्रैकेट इंटीग्रल से इसको बाहर ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा वन अपॉन सिग्मा अंडर रूट टू पाई देन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट मॉड एक्स माइनस न्यू ई टू द पावर माइनस हाफ एक्स माइनस न्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर डी एक्स. अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, तो हम लोग इसको कोई वैल्यू ले सकते हैं, तो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू हमने लिया z. अब यहां से अगर हम डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो देखिए उसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा डी जेड, एंड जो इसकी रेंज है वो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ही रहेगी, बिकॉज जब हम x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट रखेंगे तो z की वैल्यू भी माइनस इनफाइनाइट हो जाएगी, एंड प्लस इनफाइनाइट रखने पर भी इसकी वैल्यू प्लस इनफाइनाइट ही रहेगी. तो देखिए हम लिख सकते हैं वन अपॉन सिग्मा अंडर रूट टू पाई माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट. अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी वैल्यू हम लोग क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू को हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे z सिग्मा, तो ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा z देन e टू द पावर माइनस, अब यहाँ पे हम लोग जब z सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा z स्क्वायर बाय 2, एंड डी एक्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा डी जेड. अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ से सिग्मा एंड सिग्मा जो है वो क्या हो गया है, कैंसिल आउट हो गया है. तो ये जब कैंसिल आउट हो गया, और आपको पता है कि सिग्मा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है, तो माइनस वाली रेंज वो लेगा नहीं, एंड यहाँ पे सिग्मा आपका एज अ कांस्टेंट है, तो हम लोग इसको ब्रैकेट से इंटीग्रल से इसको हम लोग बाहर ले सकते हैं. तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट मॉड जेड ई टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 डी जेड. अब यहाँ पे आप लोग ये देखिए कि जेड जो है यहाँ पे ये भी आपका क्या है, इवन में है, एंड जेड स्क्वायर जो है वो भी आपका एक इवन फंक्शन है, बिकॉज यहाँ पे अगर हम लोग दोनों ही जगह पे अगर जेड की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट रख के सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हमें सेम फंक्शन प्रोवाइड करेगा. तो हमारा दैट मीन्स कि हमारा जो लिमिट्स है माइनस इनफाइनाइट एंड प्लस इनफाइनाइट, इसकी वजह से ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है. दैट मीन्स इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इसकी रेंज को, तो इसको हम लोग कर देंगे 2 times 1/σ√2π. 2 यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया, इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो रेंज है वो हो जाएगी 0 से इनफाइनाइट. अब 0 से इनफाइनाइट हो गई है, दैट मीन्स कि अब मॉड का कोई यहाँ पे काम नहीं रहा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं z e टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 dz. अभी भी देखिए हम लोग इंटीग्रेशन अगर इसका करेंगे तो वो भी हमारा थोड़ा बहुत टिपिकल हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग देखिए लेट कर लेते हैं जेड स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू टी. अब हमने ये लेट किया, अब देखिए जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 times z डी जेड बाई 2 इज इक्वल टू डी टी. 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, जेड डी जेड इज इक्वल टू डी टी हो गया. देखिए ये चीज हो गया. अब यहां से देखिए हमारी रेंज पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. अब इसको चाहिए तो आप सॉल्व कर सकते हैं, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 सिग्मा अपॉन अंडर रूट पाई, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट. अब देखिए जेड डी जेड की जगह पे हम क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, डी टी, और ई टू द पावर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका डी टी. देन अगेन यहाँ पे सिग्मा अंडर रूट 2 पाई हो गया आपका. आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करना आपको अच्छे से आता है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली जब आपकी जो वैल्यू आएगी तो वो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1. तो फाइनली आपके पास जो बचेगा वो बचेगा सिग्मा अंडर रूट 2 पाई. ये है आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन.
इसकी वैल्यू अगर आपको लर्न होगी तो एग्जाम्स में आप डायरेक्टली जो इनकी वैल्यू है सिग्मा की वैल्यू आपको नोन होगी, उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आप मीन डेविएशन अबाउट मीन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो पाई की वैल्यू है वो आपको पता है वो क्या होती है, 22/7 होती है, तो एग्जैक्टली आप लोग यहाँ से कर लोगे। सो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।